गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ प्लूरल इफ्यूज़न। यानी प्लूरल स्पेस के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, लंग के चारों तरफ एक्सेस में फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूज़न ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द HP एंड OP। प्लूरल इफ्यूज़न में फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर। रेयरली ये प्राइमरी डिजीज़ है, बट यूजुअली दूसरी डिजीज़ की वजह से सेकेंडरली ये दिखाई देती हो। प्राइमरी तो बहुत कम देखने को मिलती है, सेकेंडरी ये देखने को मिलती है किसी और डिजीज़ की वजह से। प्लूरल स्पेस के अंदर नॉर्मली 10 से 20 ml का सीरोस फ्लूड जो है वो पाया जाता है। ये प्लूरल फ्लूड नॉर्मली सीप्स कंटिन्यूअली इन टू प्लूरल स्पेस फ्रॉम द कैपिलरी लाइनिंग। प्लूरा मतलब ये कह रहे प्लाइटल प्लूरल कैपिलरी लाइनिंग से लगातार ये बनता रहता है, रीअब्जॉर्ब होता रहता है विसरल प्लूरा कैपिलरी से, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह से। कोई भी कंडीशन जो इस पूरे प्रोसेस में बनने और एब्जॉर्ब होने में इंटरफेयर करती है, सिक्रीशन ड्रेनेज में, इस फ्लूड के सिक्रीशन और ड्रेनेज में इंटरफेयर करती है, तो उसे प्लूरल इफ्यूज़न कॉज हो जाता है। प्लूरल इफ्यूज़न में एबनॉर्मल अमाउंट में फ्लूड जो है वो प्लूरल स्पेस में कलेक्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन, ये फ्लूड ट्रांसुडेटिव और एक्जुडेटिव दोनों तरह का हो सकता है। ट्रांसुडेटिव मतलब सिर्फ फ्लूड और एक्जुडेटिव मतलब प्रोटीन रिच फ्लूड। ट्रांसुडेटिव इफ्यूज़न को अपन हाइड्रोथोरेसिस भी कहते हैं, जिसमें वाटर इकट्ठा हो रहा है थॉरेक्स में। प्राइमरली नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में होता है, इसमें लो प्रोटीन लो सेल काउंट दिखाई देता है इस फ्लूड के अंदर। ट्रांसुडेटिव इफ्यूज़न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर हार्ट फेलियर की वजह से बढ़ जाता है, ये प्लूरल इफ्यूज़न का सबसे कॉमन कॉज है, या ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है हाइपोएल्ब्यूलिनीमिया की वजह से, ये लिवर सिरोसिस और रिनल डिजीज़ में देखने को मिलता है। इन कंडीशन में फ्लूड का मूवमेंट जो है वो कैपिलरी से फैसिलिटेट आउट होता है और प्लूरल स्पेस में चला जाता है। एक्जुडेटिव फ्यूज़न में इन्फ्लामेशन के एरिया में दिखाई दे रहा होता है, हाई प्रोटीन रिच फ्लूड जो है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है। एक्जुडेटिव फ्यूज़न इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की पहचान है, कैपिलरी परमियाबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से एक्जुडेट इकट्ठा होता है। इस तरह का इफ्यूज़न जो है वो सेकेंडरी कंडीशन में देखने को मिलता है कि किसी पर्सन को पल्मोनरी मैलिग्नेंसी यानी लंगा कैंसर हुआ हो, लंगा को इन्फेक्शन हुआ हो, या पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन हुआ हो, तो उसकी वजह से ये एक्जुडेटिव इफ्यूज़न उस पर्सन में देखने को मिलता है। इटियोलॉजी, डिसमिनेटेड कैंसर किसी को हो जाए, पार्टिकुलरली लंग और ब्रेस्ट का कैंसर, या लिम्फोमा हो जाए, या प्लूरो पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो जाए, हार्ट फेलियर के साथ में, लिवर सिरोसिस के साथ में जुड़ा हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिल रहा होता है। अदर कंडीशन में सार्कोइडोसिस हो जाए, SLE सिस्टमिक ल्यूपस एराइडोमाटोसस, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं भाई, इनमें ऐसा हो सकता है, या पैराइटोनियल डायलिसिस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूज़न में HP बढ़ गया, OP कम हो गया, तो ये फ्लूड जो है इंट्रावेस्कुलर स्पेस में रह नहीं पाता है प्रॉपर अमाउंट में, तो ये शिफ्ट होकर के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है और इफ्यूज़न पैदा करता है। जबकि एक्जुडेटिव फ्यूज़न में माइक्रोब के इन्वेजन की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शुरू होती है, जिससे वैसोडाइलेशन होता है, कैपिलरी की परमियबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि प्लाज्मा प्रोटीन का लीकेज होगा और ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और फ्लूड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। CM क्या है इसके, अंडरलाइंग डिजीज़ कॉज पर डिपेंड करेंगे और इफ्यूज़न की सीवियरिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेंगे। इसमें निमोनिया हो सकता है, तो निमोनिया अगर है तो बुखार चढ़ेगी, कंपकंपी छूटेगी और सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मैलिग्नेंट इफ्यूज़न अगर है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफिंग रहेगी। जब स्मॉल से मॉडरेट प्लूरल इफ्यूज़न हो रहा होता है तो डिस्निया एब्सेंट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्निया हो सकता है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा, परक्यूज़न पर आपको डलनेस या फ्लैटनेस दिखाई देगी, डिक्रीज या एब्सेंट ब्रीद साउंड सुनाई नहीं देगा। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं भाई, चेस्ट एक्सरे करवा लो, अल्ट्रासाउंड से भी फ्लूड की प्रेजेंस पता चल जाएगी, थोरेकोसेंटेसिस करवा सकते हो, बायोकेमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल या साइटोलॉजिकल स्टडी उस प्लूरल फ्लूड की आप देख सकते हो। ये देखिए ये फ्लूड इकट्ठा हो गया, तो लंग में देखो फ्लूड इकट्ठा हुआ है, कैसा धुंधला दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लिकेशन में लार्ज इफ्यूज़न जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करवा सकता है। बस
इसके साथ ही आपका प्लूरल इफ्यूज़न नाम का टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।